दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में पड़े हुए एजीआर के वजन को कम करने के लिए भारत सरकार डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दोस्तों एक पूरा का पूरा प्रपोजल रेडी करा है किस तरह से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनी को यहां पे सहायता दी जाएगी। दोस्तों 20 साल का ईएमआई इंटरेस्ट फ्री लोन, बहुत सारी ऐसी चीजें दोस्तों जो होने वाली है। और आज दोस्तों 17 मार्च और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों यहां पे जजमेंट आने वाला है, सभी के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। में हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन एजीआर की नई डेफिनेशन यहां पे तय की थी 24 अक्टूबर को, टेलीकॉम सेक्टर पूरा हिल गया था। ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का दोस्तों यहां पे कर्ज था। इस लीग में दोस्तों सबसे ज्यादा जो कर्ज था वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी को 90,000 करोड़ यहां पे चुकाने थे। अगर आप फिलहाल दोस्तों एजीआर के अगर रीपेमेंट की बात कर ली जाए तो भारतीय एयरटेल ने ऑलमोस्ट 18,004 करोड़ यहां पे दे दिए, उसके सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से तो पूरा एजीआर हो चुका है। लेकिन वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत खराब है फ्रेंड्स, उसकी दोस्तों डीओटी के हिसाब से 52,000 करोड़ कुछ होता था और खुद का सेल्फ असेसमेंट भी दोस्तों 21,000 से 22,000 करोड़ बोलता था। लेकिन दोस्तों कल उसने एक अमाउंट और दी, तीसरा अपना इंस्टॉलमेंट देकर ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ फिलहाल अभी डीओटी को यहां पर दे दिए। अभी भी दोस्तों बहुत सारी अमाउंट हजारों करोड़ों में बाकी, लेकिन दोस्तों यहां पर डीओटी और भारत सरकार दोस्तों यहां पर कुछ प्लानिंग कर रही है। दोस्तों कैबिनेट की सेक्रेटरी की दोस्तों अंशुल प्रकाश जी दोस्तों और बहुत सारी जो कैबिनेट की मीटिंग होती थी दोस्तों इसके लिए लेने के, तो यहां पे पूरा दोस्तों टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने डीओटी ने दोस्तों मिलके एक यहां पे एक प्रपोजल यहां पे रेडी किया, जहां पे सबसे मेन चीज यहां पे निकल के आ रही है कि एजीआर पे दोस्तों जो एजेसस ग्रॉस रेवेन्यू जो पेमेंट होगा ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है टोटल का टोटल, इसको 20 साल का टाइम दिया जाएगा। 20 साल का ईएमआई देने की दोस्तों यहां पे प्रपोजल रेडी किया जिसमें 20 साल का टाइमिंग देने की बात की जा रही है। वोडाफोन के दोस्तों निक रीड जो है सीईओ, उन्होंने बोला था कि हमें कम से कम 15 साल का यहां पे टाइम मिलना चाहिए। तो सरकार दोस्तों 20 साल का ईएमआई सिस्टम 20 साल का ड्यूरेशन देने की प्लानिंग में है। उसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है दोस्तों जो कंपनीज है इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यस दोस्तों जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का यहां पे जजमेंट आया था 24 अक्टूबर 2019 तब तक का दोस्तों इंटरेस्ट इनसे नहीं लिया जाएगा। दोस्तों इंटरेस्ट फ्री दोस्तों यहां पे लोन दिया जाएगा और इंटरेस्ट इनसे नहीं लिया जाएगा अक्टूबर 24 अक्टूबर 2019 तक जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उससे पहले का इनसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यह बहुत बड़ी राहत है दोस्तों इस प्रपोजल के अंदर बताई जा रही है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी को यहां पे लोन भी दिया जाएगा, पैसे का भी जुगाड़ यहां पे किया जाएगा। सरकारी बैंक इनको 15% तक का दोस्तों इनकी एजीआर पे यहां पे लोन भी दे सकती है। सो गवर्नमेंट की जो बैंक्स हैं ये 15% इनके एजीआर की जो अमाउंट होगी उस पे दोस्तों यहां पे लोन भी इनको दे सकेगी अच्छी खासे इंटरेस्ट के ऊपर। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जो कंपनियां हैं दोस्तों इनको यहां पे सरकार एक बेल आउट पैकेज भी रेडी कर सकती है, इनके लिए दोस्तों बेल आउट पैकेज भी रेडी कर सकती है। क्योंकि पहले की बात कर लीजिए दोस्तों सरकार ने पहले भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी सरकारी कंपनी एयर इंडिया हो गया दोस्तों इस तरह की कंपनियों को पहले भी यहां पे बचाया, इस तरह से दोस्तों सरकारी कंपनियों को बचाया। लेकिन यहां पे पहली बार दोस्तों होगा कि यहां पे प्राइवेट कंपनियों को यहां पे सरकार यहां पे बचाएगी। लेकिन यहां पे टेलीकॉम सेक्टर को टूटने से बचाने के लिए भारत सरकार आगे आई और दोस्तों डीओटी ने और कैबिनेट मिनिस्ट्री ने दोस्तों यहां पे एक फैसला लिया और यहां पे पूरा प्रपोजल रेडी किया है जिसको दोस्तों आज कन्विंस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। यहां पे डेफिनेटली एक बड़ी न्यूज आ सकती है आज जो मैं आपको शाम तक बता दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये प्रपोजल के बारे में आज हमने बात करी जहां पे सरकार वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी को एजीआर के अंदर दोस्तों इंटरेस्ट में भी छूट देने वाली, 24 अक्टूबर से पहले का इनसे इंटरेस्ट नहीं ले जाएगा, उसके साथ साथ 20 साल का दोस्तों इनको टाइम यहां पे दिया जाएगा। उसके साथ साथ सरकारी बैंक भी दोस्तों इनको कुछ राहत देगी, कुछ यहां पे लोन वगैरह देगी और सरकार भी दोस्तों एक बेल आउट पैकेज की घोषणा कर सकती है। यह थी सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों जो वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल के लिए आई थी। मुझे बताइए दोस्तों आपकी न्यूज कैसे लगी, वीडियो अगर अच्छा लगाओ इन्फॉर्मेटिव लगाओ एक थम्स अप तो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, उसके पास ही दिखेगा एक घंटी का बटन उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।